करते हैं 8th क्लास का 12th चैप्टर झूठे की कहानी। एक रईस या शायद कोई नवाब जो किसी दूर दराज मुल्क से वापस आया था, देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। ठीक है, यानी एक आदमी अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था और झूठे सच्चे किस्से सुना रहा था कि मैंने फला चीज देखी और फला जगह गया। ठीक है, क्या होता है जब कोई बाहर से आता है तो वो चाहे वो चीजें ना देख के आया हो तब भी झूठे झूठे किस्से सुनाता है लोगों को कि मैं वहां गया, ये चीज देखी मैंने, वो चीज देखी, है ना। फला मतलब यही होता है कि वो चीज देखी, वो चीज देखी। कहने लगा, नहीं भाई अब ऐसे अजायबात क्यों कभी देखने को मिले। ठीक है, अजायबात यानी अजीब चीजों की जमा। ठीक है, क्यों कभी देखने को मिले, ऐसी चीजें जो कभी भी मतलब हकीकत में ना हो। ठीक है, ना मिलेंगे। ये तुम्हारा मुल्क भला कोई रहने की जगह है? कभी तो सर्दी, कभी इतनी गर्मी के खुदा की पनाह, कभी सूरज है कि महीनों बादलों में मुंह छुपाए बैठा रहता है, कभी ऐसा तेज चमकता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। ठीक है, यानी अभी क्या बोल रहे हैं, हमारे जो वतन है, हमारा वतन हिंदुस्तान, उसकी क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से बुराई भी कर रहे हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि मौसम को बयान कर रहे हैं कि कभी तो सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी बारिश होने लगती है, ठीक है, और कभी बहुत तेज धूप निकल आती है। वहां देखो, ठीक है, अभी अपने जहां से आए हैं वहां की बात कर रहे हैं, उसका नाम नहीं बताया गया है। वहां देखो, बस जन्नत का मजा है, उसे याद करने से भी दिल को फरहत होती है। फरहत होती है यानी खुशी होती है, यानी अगर हम अपने देश जहां से वो आया है उस जगह को याद करते हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ना लिहाफ की जरूरत, क्योंकि हमें सर्दी में किसकी जरूरत पड़ती है, लिहाफ की। ना लालटेन की, अंधेरे में हमें लालटेन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ना कभी रात ना अंधेरा। ठीक है, यानी अब ये देखो, ये झूठ बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है झूठे की कहानी है, तो ये झूठ बोल रहे हैं कि वहां कभी भी रात नहीं होती, कभी अंधेरा नहीं होता, ऐसा कभी हो सकता है भला? पूरा साल बाहर का दिन मालूम होता है, वहां ना कोई हल चलाता है ना बोता है, यानी कि वहां पे ना तो कोई खेती करता है और ना ही दानों को बोता है। और इस पर देखो, हर चीज पैदा हो जाती है, यानी कि हर चीज पैदा होती है, यानी वहां पे फिर भी खेती होती है जबकि कोई खेती नहीं करता, और फलती फूलती है, यानी कि खूब ज्यादा तरक्की भी करती है वो चीज। एक मर्तबा मैंने वहां एक खीरा देखा था, यानी अब क्या देखा था, उन्होंने खीरा देखा था, अभी तक वैसी कोई चीज नहीं देखी। तुम यकीन नहीं करोगे मगर मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम पहाड़ के बराबर था। अब देखो, इसने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मैंने ऐसा खीरा देखा है जो कितना बड़ा है, पहाड़ के बराबर है। ठीक है, और मैं बताता हूँ कि खुदा की कसम। अच्छा, झूठे लोग जो है वो खुदा की कसम बहुत ज्यादा खाते हैं, तो वही कह रहा है अपनी बात को साबित करने के लिए कि खुदा की कसम ऐसा खीरा मैंने आज तक नहीं देखा, कितना बड़ा है, पहाड़ के बराबर है। ठीक है, दोस्त ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, अजब ही चीज होगी। ठीक है, यानी दोस्त समझ गया था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने उसको पकड़ा नहीं। ठीक है, लेकिन यूं तो सारी दुनिया अजायबात से भरी हुई है, यानी कि सारी दुनिया में कुछ ना कुछ अजायबात है। जैसे आप देखें, पेड़ बड़ा हो रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है हमें नहीं पता, हम उस चीज को गौर नहीं करते, है ना। तो वही कह रहे हैं, हम खुद ही गौर नहीं करते हैं, यानी दुनिया में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अब पेड़ का बड़ा होना, एक के बाद एक परिंदों का आना, नई नई तरह के, है ना, तो उस चीज को हम लोग खुद ही नहीं देखते हैं। अभी थोड़ी देर में हम एक चीज देखेंगे, यानी हम एक चीज देखने वाले हैं, कौन सी चीज वो भी पता चलेगा। मैं शर्त बंधने, यानी कि मैं शर्त लगाने पर, ठीक है, किस पे लगाने पर तैयार हूँ, बंधने यानी कि शर्त लगाने पर तैयार हूँ कि ऐसी चीज तुम्हारे देखने में भी ना आई होगी। यानी अब वो कह रहे हैं कि मैं अभी हम लोग एक ऐसी चीज देखेंगे जो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुमने आज से पहले ऐसी चीज नहीं देखी होगी। वो पुल देखो, वो जिस पर हमारा रास्ता जाता है, यूं तो वो एक निहायत ही मामूली सा, ठीक है, यानी कि बहुत मामूली सा पुल है, मगर इसमें ये हैरत अंगेज खासियत है कि झूठा आदमी इस पर से कभी गुजर नहीं सकता। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस पुल में एक ऐसी खासियत है कि इस पर से झूठा आदमी कभी गुजर नहीं सकता। ठीक है, आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचता नहीं कि ठोकर खाता है और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। ठीक है, यानी अगर झूठा आदमी है तो उसे क्या लगेगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद उसे ठोकर लगेगी अपने आप और उसके बाद वो पानी में गिर जाएगा। सच्चा हो तो चाहे घोड़ा घोड़ी यानी कि घोड़ा घोड़ी पर लेकर गुजर जाए, यानी कि अगर कोई सच्चा आदमी है
तो वो घोड़ा घोड़ी लेकर भी गुजर जाए, कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा, और दरिया कैसा है, दोस्त ने कहा, यानी अब उसने कहा दरिया कैसा है। नदी है, कोई नाला तो नहीं है, कोई नाला नाला तो है नहीं, यानी कि बोल रहा नदी है, यानी बहुत बड़ी है, डूब जाओगे, डरा रहा है अपने दोस्त को। ठीक है, तुम खुद समझ लो, मगर ख्याल करो दुनिया में भी क्या कुछ नहीं होता। तुमने जिस खीरे का जिक्र किया है वो बेशक बड़ा तो जरूर था, क्या बताया था तुमने, पहाड़ जैसा। अब दूसरा दोस्त डर गया कि अरे हमें तो उसी पुल से जाना है और मैं झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ, इसका मतलब ये पुल जो है मुझे फेंक देगा। तो वो अपनी बात को पलट देता है, क्या बोलता है, नहीं पहाड़ तो नहीं मगर घर के बराबर यकीनन होगा। यानी अब वो पहाड़ जितना बड़ा नहीं था, कितना बड़ा था, घर के बराबर था। अब देखो वो झूठ को अपने कम करने लगा। फिर भी ऐसी बात मानना मुश्किल है, लेकिन हमारा पुल जिस पर से हम अभी गुजरने वाले हैं, यानी अब वो क्या बोल रहा है, अभी दूसरा दोस्त बोल रहा है कि ठीक है तुम्हारी बात को मानना मुश्किल है, खीरा कोई भी घर के बराबर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हमारा पुल जिस पर से अभी हम लोग गुजरने वाले हैं वो भी कुछ कम नहीं है कि वो झूठे को अपने ऊपर से जाने नहीं देता। सभी जानते हैं अभी थोड़े दिन हुए दो अखबार वाले और एक दर्जी इसी पर से गिरकर डूब गए। यानी अब देखो डराने को और उसने प्लान बनाया अच्छा सा कि अब उसने क्या झूठ बोल दिया, अब खुद झूठ बोल रहा है कि इस पर से तीन लोग डूब कर मर गए। दो अखबार वाले थे और एक दर्जी था, ये लोग झूठ बोल रहे थे इसलिए इनको डूब कर पुल ने मार दिया। फिर भी अगर तुम्हारा कहना सही है तो वो मकान के बराबर खीरा जो तुमने देखा था अजीब ही होगा। ठीक है, अब देखो बार बार उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरा दोस्त बोलता है, नहीं इसमें कोई ऐसे ताज्जुब की बात नहीं है, देखो ना पूरी बात भी तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अभी अपनी बात को पलटने की कोशिश कर रहा है, अब ये बताएगा कि वहाँ के घर कैसे थे, क्योंकि उसने भी कहा था ना खीरा कितना बड़ा था, घर के बराबर था, तो अब वो घर को छोटा बताएगा कि वहाँ पे घर कितने छोटे होते हैं। तो कहता है, नहीं इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, देखो ना पूरी बात भी तो मालूम होनी चाहिए। तुम ये ना समझो कि हर जगह वैसे ही बड़े बड़े मकान होते हैं जैसे हमारे यहाँ, यानी हिंदुस्तान में। हाँ जानते हो मकान कैसे होते हैं, अब यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पता है कैसे मकान होते हैं, बस इतने बड़े कि उनमें दो आदमी घुस सकते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से उठ बैठ सकते हैं। यानी अब ये क्या बोल रहे हैं कि वहाँ इतने छोटे घर होते हैं कि दो आदमी भी बड़ी मुश्किल से घुसेंगे और उनका उठना बैठना तो बहुत ज्यादा दुश्वार है। खैर अगर ऐसा भी है तो इस खीरे को जिसमें दो आदमी समा जाएं, अजायबात या कुदरत में समझना कौन सी गुनाह की बात है। यानी कि अभी कह रहे हैं कि यानी खीरा जो इतना बड़ा तो है, कम से कम कि दो आदमी उसके अंदर आ रहे हैं। अब आप बताइए भला कोई खीरा इतना बड़ा हो सकता है कि उसके अंदर दो आदमी आ सके। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अजायबात या कुदरत, यानी कि कुदरत की अजीब निशानियां, यानी अल्लाह मियां ने जो खूबसूरत चीजें बनाई है जो हमारी सोच से परी है उनमें से उसको शुमार करना कोई गुनाह की बात नहीं है। हमारा पुल भी ऐसा है कि इन्हें भी बता रहे कि हमारा पुल कैसा है। एक बार वो अपने खीरे की बात करते हैं, दूसरी बार दोस्त जो है वो अपने पुल की बात करता है। हमारा पुल भी ऐसा है कि चौथे पांचवें कदम पर ही झूठे को दरिया में धकेल देता है, तुम्हारे मकान के बराबर खीरा। ठीक है, अब देखो उसने क्या बताया कि हमारा जो पुल है वो चौथे पांचवे कदम पर ही धकेल देगा। अच्छा हाँ, तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हारा मकान के बराबर का खीरा। ठीक, अब जो पहला दोस्त है जो झूठ पे झूठ बोल रहा था वो क्या कहता है, यहाँ पर झूठे ने बात काट कर कहा, सुनो भाई सुनो तो, आखिर ये कौन सी जबरदस्ती है कि पुल के ऊपर से ही जाया जाए, आओ कहीं थुकलाओ, यानी कि थुल्ला जो मतलब रास्ता होता है कच्चा रास्ता बना देते हैं, तो उसे बोल रहे हैं कि अगर कहीं उथला हो तो वहां से निकल चलें। ठीक है, कच्चा रास्ता बना देते हैं नदी को पार करने के, तो उसको बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे ऐसा कोई रास्ता है तो हम लोग वहां से चलते हैं। क्योंकि उसे पता है हम झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलना तो गुनाह होता है। ठीक है, चलिए हम लोग लफ्ज मायने देखते हैं। रईस अमीर, फरहत खुशी, दूर दराज यानी बहुत दूर से, अजायबात अजीब की जमा या अजीब और गरीब चीजें, देहात गांव, यकीनन मतलब बिल्कुल पक्का कतई। ठीक है, 100%। चलिए अब चलते क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब आपका पहला सवाल है, रईस कहाँ जा रहा था। जवाब, रईस अपने दोस्त के साथ देहात की सैर करने जा रहा था।
सवाल नंबर दो, रईस ने मौसमों का जिक्र किस किस तरह किया है, ठीक है, यानी किस तरह से उसने मौसम का जिक्र किया है हिंदुस्तान के। तो जवाब, रईस ने मौसमों का जिक्र करते हुए कहा कि तुम्हारे मुल्क में कभी तो सर्दी और कभी इतनी गर्मी के खुदा की पनह, और कभी सूरज महीनों बादल में मुंह छुपाए बैठा रहता है, कभी ऐसी तेज चमकता है, यानी कभी इतना तेज सामने आ जाता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, ठीक है, चकाचौंध हो जाती है, यानी बहुत तेज सूरज निकल जाता है। सवाल नंबर तीन, रईस ने अपने साथी को कौन कौन सी कहानियां सुनाई, यानी कौन सी कहानी सुनाई थी। तो जवाब है आपका, रईस ने अपने साथी को पहाड़ के बराबर खीरा देखने की कहानी सुनाई। सवाल नंबर चार है, रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तिहान कैसे लिया, यानी उसके झूठ को किस तरह से पकड़ा कि वो झूठ बोल रहा है। तो जवाब है आपका, रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तिहान लेने के लिए खुद भी झूठ बोलना शुरू कर दिया और कहा कि हमारे मुल्क में ऐसा पुल है जो झूठे को अपने ऊपर से गुजरने नहीं देता। ठीक है, यहाँ तक आंसर वैसे ठीक है, लेकिन अगर आप लिखना चाहे तो आप आगे भी लिख सकते हैं, मैं पढ़ देती हूँ। पुल के बारे में सुनकर झूठे ने खीरे को कभी घर के बराबर तो कभी कमरों के बराबर बताकर ये साबित कर दिया कि झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ बोल रहा है। ठीक है, यानी एक झूठ को छुपाने के लिए, वैसे भी कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस तरह दोस्त ने उसके झूठ का इम्तिहान ले लिया। ठीक है, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक भी सफिशियंट है, यानी काफी है यहाँ तक भी। चलिए, आपका पांचवा सवाल है, झूठे की कहानी से क्या सबक मिलता है। तो आपको क्या सबक मिलता है कि झूठे की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि झूठ बोलने वाला हमेशा डर में मुब्तिला रहता है, नहीं, हर वक्त उसके दिल में डर बना रहता है कि कहीं हकीकत सामने ना आ जाए, क्योंकि अगर हकीकत सामने आएगी तो ज्यादा बेइज्जती होती है कि देखो इसने झूठ बोला था। तो आपका क्वेश्चन है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। ठीक है, तो पहला क्या है, देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एक मर्तबा मैंने रोम में एक खीरा देखा था। तीसरा क्या है, अभी थोड़ी देर में हम एक ऐसी चीज देखने वाले हैं। चौथा क्या है, आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचता नहीं है कि ठोकर खा जाता है और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। पांचवा क्या है आपका, अभी थोड़े दिन हुए दो अखबार वाले और एक दर्जी इसी पर से गिरकर डूब गए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये कर लेंगे, ये खाली जगह है, आप इन्हें भर लेंगे अच्छे से। अब आपका आता है ज़ेल अल्फाज के, जो है जो आपके यानी दर्जे ज़ेल यानी जो नीचे दिए हुए अल्फाज हैं उनके आपको मुतरादिफ लिखना है। मुतरादिफ किसे कहा जाता है, हम एक जैसे, मतलब हम मायने अल्फाज, जिनके दिखने में वो दो अलग अलग अल्फाज होते हैं लेकिन उनके मीनिंग जो होते हैं वो एक ही निकलते हैं। जैसे मकान और घर, दोनों का मतलब क्या है, घर। ठीक है, किस्सा और किस्से का क्या हो जाएगा, कहानी। ठीक है, गांव का क्या हो जाएगा, देहात। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा अगर आपको हमारी बहुत सारी वीडियोस चाहिए इजीली, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं आसानी से। आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।